सबसे पहले मैं जो CSIR की क्लाइंट से हमारे रिसोर्स पर्सन सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर बीपी राहुल एंड डॉक्टर राजेंद्रा भनवारिया जी का तहे दिल से वेलकम करता हूँ कि उन्होंने इस वर्कशॉप में आए और हमें एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जागरूक करने के लिए इन्होंने अपना टाइम निकाला। इसमें हमने कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स भी लाए हुए हैं और अपने डिपार्टमेंट के जो भी इस कंडी बेल्ट के जहां हम ये इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं उनके जो हमारे ऑफिसर्स फील्ड में काम कर रहे हैं उनको भी बुलाया हुआ है ताकि उनको एक जब सीज़न जल्दी शुरू होने वाला है जुलाई में जब मानसून आएगी ताकि वो एक पूरे लिए भी हम आपका फार्मर्स की तरफ से भी शुक्रिया करते हैं और हम आशा करते हैं कि एज़ फार एज़ ये जो मिशन है अरोमा मिशन है ये अपने डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। ऑफिसर को हुआ आज एक बड़ा खुशी का मकाम है कि हमारे बीच में TIPLIM इंटेग्रेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस से बड़े सीनियर साइंटिस्ट आए हुए हैं हमारे पास। हम अरोमा मिशन में जैसे लेमन ग्रास है, एलोवेरा है, लेवेंडर है, इसको हम अपने डिस्ट्रिक्ट में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मंकी मैनास बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से फार्मर परेशान है, तो काफ़ी एरिया जिसकी वजह से वैरन है, फार्मर कल्टीवेशन करना छोड़ दिया है, उसका सोल्यूशन लेवेंडर है। उसका सोल्यूशन लेवेंडर नहीं, उसका सोल्यूशन है लेमन ग्रास, जहाँ हम लेमन ग्रास उगाएंगे, मानसून में उगाएंगे और इसी साल से ये अभियान शुरू करेंगे हम कोटा से, तो जितना भी एरिया टारगेट कर पाएंगे करेंगे ताकि एक बैरियर बन जाए और मंकी की जो प्रॉब्लम है उसे निजात पाई जाए और लोगों को उसका एक बड़ा तेल निकलता है। एक्सट्रैक्शन यूनिट्स भी लगाएंगे TIPLIM उनकी मदद से, तो उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी, डाइवर्सिफिकेशन होगी, इनकम बढ़ेगी। ये हमारा मोटो है आज की वर्कशॉप का। तो मेरे साथ साइंटिस्ट हैं, ये बताएंगे TIPLIM